हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आई होगा अच्छे होंगे गाइस। तो और आज आपको दिखाएंगे मोटो ब्लॉग में और गाइस पहुंचने वाले हैं। ये तो पेट्रोल डलवाएंगे गाइस, पेट्रोल खत्म हो चुका है बाइक का, डलवाते हैं पेट्रोल। अरे कोई है भाई, भैया ओ भैया, सफेद कपड़ा, ओ ओ ऐसे कहते हैं। गाइस डलवाते हैं पेट्रोल पहले और आप सबको आगे दिखाते हैं। भैया 100 का डाल दीजिए। 150 रुपया देगा। फाइनली गाइस पेट्रोल डला चुका और हम निकल गए फटाफट, और हमें लगता है वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी जाएगी, लेकिन कोई नहीं, हम फास्ट मोड करके डाल लेंगे वीडियो। हमें तो लग रहा है व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। यह है ई बस, इलेक्ट्रिक बस मतलब, और ये यूपी में योगी जी ने काफ़ी अच्छे चालू किया है। ये रिक्शा ले सकते हो, होगा चेक करना, मतलब कि रंग सा तो हमारे, अरे भाई आगे ले या पीछे ले, बदल आ देंगे ये नहीं कि आगे लेना पीछे ले लें। गाइस ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं अभी। गाइस इस फोन का तो वाट लग चुका है, पूरा टूट चुका है एकदम आगे से। गाइस ट्रेन आ चुकी है, देख लीजिए। हाँ भाई खोल दो, खोलो भाई, फाटक खुल गया। अरे रे सोच दी रे, इसे बोलते रे सतरी रे भाई। गाइस एक मजेदार चीज दिखाऊं आप सबको, ये देखिए, हाँ ये बच्चे जनाब अपने चला रहे हैं। वाह वाह वाह, ठीक है भाई साहब, अच्छा लग रहा है। गाइस फाइनली अभी पहुंचे हैं हम रामेश्वर मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कहेंगे, जहाँ से 300-400 साल पुराना मंदिर है। अच्छा है, दर्शालु लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा मचती है यहाँ पर। ये रास्ता यहाँ पर ऐसे जाते हैं सब दर्शन के लिए। मंदिर दिखाते हैं गाइस आप सबको, काफ़ी अच्छा है, नदी किनारे है, हमें तो लगता है नदी भी भरी है। अगर नदी भरी होगी तो यार गाइस जाएंगे कैसे, देखते हैं जाने के लिए रास्ता। ये रहेगा सिद्धार्थ मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं मंदिर में, और
फिलहाल तो अभी बच सकता हूँ। ये प्लीज शो के क्या वास्ता था आपका? अरे आशीष से क्या वहाँ पे गाइस लगता है आशीष यहाँ पे मंदिर आया था कुछ दर्शन वर्शन करने। हाँ हाँ कहाँ इधर चले थे घरे दशक रहा लगेगा। हम तो ऐसा टिक्का मारे थे हमको चले और भैया क्या भी देखा लड़की चला कहाँ है वहाँ चले हाँ चला। अरे यार वहाँ का चले। तो गाइस अभी आप सबको मंदिर का सीन दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम निकल रहे हैं मंदिर से और आशीष ये देखिए मिल गया बहुत सही चलते भाई और फिर आना घर पे ठीक है। और अरे भाई बाइक को क्या हो गया भाई प्रो बाइक लेना है बस गाइस लोग सपोर्ट दिखा दे तभी ले लेंगे। चलो भाई फिर बाय बाय टाटा गुड बाय। अभी हम गाय बड़ा गांव बाजार में पहुंचने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पे जो मेला नहीं लगता मेला काफ़ी तगड़े मेले लगते हैं यहाँ पे गाय का नवरात्र के लास्ट दिन पे लगता है जिस ये दशहरा पे। और आगे बाबतपुर एयरपोर्ट है ये रूट ढक के जाना होगा ये रूट पकड़ के जाना होगा इसके पास ये रूट पकड़ के जाओगे तो आगे बाबतपुर रोड मिल जाएगा आपको। और ये बाजार काफी थोड़ा लंबा है अंदर ही मार्केट है इधर ही मार्केट है। गाइस पब्लिक का रिएक्शन आप सिर्फ देखिए सिर्फ पब्लिक का रिएक्शन कैसा रहता है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कुवार बाजार और यहां से ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें जाने में कुछ यही 10-15 मिनट। और देखते हैं चाचा जी का क्लिनिक खुला है कि नहीं। यहां पे इनका ब्लड टेस्ट का क्लिनिक है जो कि बैतुला जी का देखते हैं है कि नहीं बोले चाहिए उसे हमें जाने बाइक खड़ी है। नहीं भाई कोई बात नहीं बाइक नहीं है ना बाइक से कुछ खाली जाता है बाइक कैसा पब्लिक को देख रही है घर पर जाते हैं वो भाई से समाप्त जाना होगा भाई समाप्त तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने कठवा बाजार में और अभी आप सबको दिखाते हैं आज ये वीडियो। और ये है गाइस हमारा मार्केट पूरा कठवा बाजार ये पता नहीं कुछ गिर रहा है और कठवा बाजार का सीन आपको दिखाते हैं। अरे बहुत ही चले सब बहुत चुके हैं कटवा बाजार में अब यहाँ पे चौमाने सब घूमेंगे सीधे अपने गांव साइड जो आप वीडियो दिखाएंगे। अरे यार यहाँ पे सब बदल गया क्या चेंज हो गया बन गया चौड़ा हो रहा है सड़क और ये जो बगल बगल गिट्टी वाले लोग हैं ना भाई तो ये होगा अभी पूरा
अभी थोड़ा सा बियर्ड वगैरह शेड कराएंगे गाइस, देखते हैं खोला ही नहीं। दोस्त है मेरा काफ़ी अच्छा दाढ़ी बाल कटिंग करता है, खोला ही नहीं खोला। अरे यार बंद किया यार, अरे बंद किया, कोई नहीं बंद किया। और गाइस आप सब घर है, गणेश जी का दर्शन कीजिए, काफ़ी अद्भुत। गाँव के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखते हैं गाइस, देखते हैं गाँव में सबका कैसा रिएक्शन रहता है। सब तो देखेंगे ऐसे कि हट जाइए कि क्या कर रहा है बंदा, पता नहीं क्या करेगा आगे जाके, कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी जरूरी है अपने को देखना ना, हमें लगा कि ऐसा सा गांव का सड़क देखिए, गांव का ही सड़क है, कैसा उगड़ खावट वाला समझ नहीं आता। ऐसे सब देखते हैं